रीवा के मऊगंज में बिजली समस्या को लेकर मऊगंज विधानसभा से पूर्व कांग्रेस के विधायक सुखेंद्र सिंह ने कार्यपालन यंत्री कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने विद्युत कंपनी के अफसरों समेत जिला प्रशासन और शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जनता बिजली कटौती की समस्या से जूझ रही है, आमजन फर्जी बिल को लेकर गुहार लगा रहे हैं और उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। साल भर की बात है, लगभग 18 सालों से बिजली विभाग में विशेष रूप से आम जनता के लिए बिजली विभाग के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन अभी तात्कालिक रूप से कई ट्रांसफार्मर चले, केबल डिस्टर्ब है, केबल कहीं है ही नहीं है, खंभे उखड़े हुए हैं। हाल ही में देवकलाव में इतनी बड़ी घटना घटी, 60-70 लोग अस्पतालों में एडमिट रहे, करेंट लगा, इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। इन सब तमाम बातों को लेकर